तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल बोनसाई प्लैनेट में। मैं हूँ आपका दोस्त विजय। तो दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपके लिए नया वीडियोस लेके आया हूँ प्लांट के रूट सिस्टम और सूट सिस्टम इस टॉपिक पे। दोस्तों, आप प्लांट्स लवर है तो आपको ये जानकारी देखना बहुत ही ज़रूरी है कि प्लांट का रूट सिस्टम क्या होता है, प्लांट का सूट सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है पूरे इस टॉपिक पे, इस वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं आपको बताऊंगा प्लांट का रूट सिस्टम और प्लांट का सूट सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जरूर कहूंगा, इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पौधे में दो ऑर्गन सिस्टम पाई जाती है। पहली होती है शूट सिस्टम और दूसरा ऑर्गन सिस्टम होती है रूट सिस्टम। पहले ऑर्गन सिस्टम में दोस्तों, प्लांट के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है। इस प्रणाली में पौधे का अंग शामिल है, जैसे कि फल, फूल, पत्तियां, बीज, कलियां और पौधे का तना। ये पूरा जो है शूट सिस्टम में शामिल हो जाता है। और दूसरा ऑर्गन सिस्टम होता है रूट सिस्टम। इस प्रणाली में जमीन के नीचे भाग यानी कि जमीन के अंदर वाले हिस्से को कहा जाता है, जिसमें पौधे का अंदरूनी तना, जड़ शामिल होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि सूट सिस्टम का काम क्या होता है। सूट सिस्टम प्रणाली में दोस्तों, पौधे के समर्थन हेतु तने के कई काम होते हैं। पौधे की नल साजी प्रणाली की तरह कार्य करना, पत्तियों में बने शर्करा यानी कि ग्लूकोज के रूप में जड़ों और भोजन से पानी और पोषक तत्वों को संचालन करना, ये काम जो होता है सूट सिस्टम में होता है। उपजी यानी कि पौधे का स्टीम, तना हिस्सा, उसमें भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हर्बेसियस तना और दूसरा होता है उड़ी तना। हर्बेसियस तना बेंडेबल होता है दोस्तों, वो आसानी से बेंड हो सकता है, और उड़ी तना जो होता है दोस्तों, वो आप उसे आसानी से बेंड नहीं कर सकते, थोड़ा ठीक होता है वो। पत्तियों की अगर हम बात करेंगे तो पत्तियों में पौधे का अधिकांश भोजन बनाया जाता है दोस्तों। पूरे को रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा ये भोजन बनाया जाता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए डिजाइन की गई होती है। इस खाद्य उत्पादन प्रक्रिया के लिए एक ऊर्जा स्रोत मानी जाती है। फूलों में अधिकतम पौधे के बीज पाए जाते हैं। इन्हीं बीजों से हम नए पौधे की पैदावश करते हैं। उसके बाद फलों के भीतर भी बीज पाए जाते हैं। फल बीज के लिए एक कवर प्रदान करता है। तो ये जो पूरा हिस्सा जो आता है प्लांट का, ये ऊपर वाला हिस्सा जो आता है दोस्तों, शूट सिस्टम में आता है। अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट के रूट सिस्टम के बारे में, जिसे हम जड़ प्रणाली भी कहते हैं, जो जमीन के नीचे होता है दोस्तों। इस प्रणाली में जो पेड़ का कंद होता है, वो एक बड़े हुए मांसल नए पौधों को पैदा करने में अधिकतम सक्षम होता है। पौधे का निचला तना जो जमीन में के अंदर होता है, उसे छोटी छोटी जो जड़ें पैदा होती है और वही जड़ें पौधे को स्थिर रखती है। जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी और खनिज सूट सिस्टम में यानी कि ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम में जो छोटे रूट्स होते हैं यानी कि लेटरल रूट्स, वो भी प्लांट को भविष्य में उपयोग के लिए अतिरिक्त भोजन की संग्रहित करता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो गया पूरा प्लांट का सूट सिस्टम और रूट सिस्टम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।